आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उपायुक्त जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने की प्रेस वार्ता। कहा, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर पोस्ट पर होगी सीधी कार्रवाई। बताया, सद्भावना बिगाड़ने वाले पोस्ट करने पर दो को भेजा गया जेल, पांच पर हुई 107। आमजनों से की अपील, भ्रामक खबरों पर नहीं दे ध्यान। कोरोना वायरस संक्रमण एवं लॉकडाउन पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उपायुक्त जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोई भी ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं करे जिससे माहौल खराब हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संबंधित या आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी एवं जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में सोशल मीडिया पर नजर बनाए जाने को लेकर साइबर सेल कार्य कर रखा गया। जिले के सभी फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। उपायुक्त श्री कमर एवं एसपी श्री आनंद से जिलेवासियों से अपील की है कि कोई भी ऐसी सूचना जो माहौल खराब कर सकता है तत्काल जिले के पदाधिकारियों को सूचना दें। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर पोस्ट किए जाने को लेकर जिले में अब तक दो पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है एवं पांच व्यक्तियों पर 107 किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त जिशान कमर ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले में 128 क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें बाहर से आए लोगों को सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया है एवं इन्हें घर जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही है। बनाए गए हैं सभी पंचायतों में एक एक क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, कहीं कहीं पर प्रखंड स्तर पर एक चल रहा है, प्लस आपको लातेहार हेडक्वार्टर में भी चार क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। अभी तक वैसे हैं हम, चूँकि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का केस, पॉजिटिव केस आया नहीं है, परंतु जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो बाहर के जगह से लोग आए हुए हैं उनको हम लोग अभी स्टार्टिंग में 14 दिन तक उनकी मेडिकल जांच करके और उसके बाद उनको मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रख रहे हैं। तो इस तरह से टोटल 128 क्वारंटाइन सेंटर हैं जो हमारे जिले में चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 661 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में, जो विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं और डॉक्टर्स के मॉनिटरिंग में हैं और वो यहाँ पर हैं, और पहले जो आए हुए थे कुल 2600 के लगभग जो है वो होम क्वारंटाइन में है। कई लोग अपना होम क्वारंटाइन का पीरियड जो है वो पूरा कर चुके हैं, कई लोगों का एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरह से जो लोग अपना 14 दिन का कर लेते हैं पूरा, उनकी चिकित्सीय जांच करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर हम लोग उसको फिर अलाउ करते हैं कि वो अपने घर जाए। सर, जिले से 19 लोगों का सर सैंपल भेजा गया था, उसमें किस तरह का सर? अभी हम लोगों को 17 लोगों का सैंपल जो है उसका रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें कि सभी लोग निगेटिव आए हैं। लातेहार जिले में किसी प्रकार की भी कोई अभी तक जानकारी नहीं है कि हम लोग यहाँ कोई भी इससे संक्रमित है। बाकी दो लोगों का सैंपल जो है वो भेजा हुआ है, जाँच होने के बाद आएगा, अभी उनका रिपोर्ट अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ। या ऐसा विद्वेष फैलाने वाला पोस्ट किया जाता है जिससे कि समुदायों के बीच में आपस में झड़प होने की या हिंसा होने की संभावना रहती है, इस बात को लेकर हम लोग लगातार सक्रिय हैं। लातेहार जिला में जो साइबर सेल है वो लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए प्रयास कर रहा है और जो भी सूचनाएं हम लोगों को उस पर प्राप्त हो रही है उस पर हम लोग तुरंत तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लातेहार जिला में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने के लिए, विद्वेष फैलाने वाला पोस्ट करने के लिए या कोरोना से संबंधित अफवाह को फैलाने संबंधित पोस्ट करने के लिए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। बालूमाथ में सुभाष पासवान और चंदवा में मोहम्मद आरिफ, इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके विरुद्ध कांड दर्ज कर अगतर अनुसंधान किया जा रहा है और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावा कई व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोगों ने और प्राथमिकी भी की है, 107 के तहत भी कार्रवाई की गई है।